गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, डियर सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, हमारे प्राइमरी पाठशाला की गलियारों में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल है। बच्चों, हमने आपको लगातार कोई ना कोई बातें, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी जानकारियां आपको दिया, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी जानकारियां आपको दिया। आज भी हम आपके सामने आए हैं कुछ नई बातें लेकर, कुछ नई चीजें आज हम आपको सिखाने वाले हैं। किसी का नाम तो आप जानते होंगे, जानते हैं, स्थानों का नाम जानते हैं, जानते हैं, वस्तुओं का नाम जानते हैं, जानते हैं ना, और जानवरों का भी नाम जानते होंगे, जानते हैं ना। तो आओ हम उनसे आपकी आज मुलाकात करवाते हैं, आइए आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। दोनों कमियर, हुआ जू, ये कौन है? राम है। कौन है? राम। हुआ जू सीता। कौन है ये? सीता। दो लोग आ जाओ, दो लोग आ जाओ। हुआ जू कौन है ये? ये कौन है? ये कौन है? स्थान है ना ये? ये कौन है? नाम है। जैसे राम है, सीता है, ये किसी का नाम है ना। दो लोग आ जाओ। कमियर, हु आर यू? आई एम जेब्रा। हु आर यू? आई एम जेब्रा। कौन है? जेब्रा। हु आर यू? ये कौन है? ये क्या है? एनिमल है, जानवर है ना, ये तो जानवरों का नाम होता है ना, है ना। आ जाओ दो लोग। Who are you? I am. Who are you? I am. कौन है ये लोग? ये रुख है और वो कौन है? पेन। ये क्या है? वस्तु है, वस्तु है ना, है ना, ये वस्तु। इस तरह ये राम है, ये सीता है, ये आगरा है, ये अमेठी है, ये जेब्रा है, ये टाइगर है, और ये कौन है? बुक है। ये कौन है? तो बच्चों, हम इसमें देख रहे हैं, जैसे ये राम है, ये सीता, ये किसी का नाम होता है। क्या होता है? किसी का नाम होता है, नेम होता है, पर्सन नेम होता है। ये आगरा है, ये अमेठी है, ये क्या होता है? कोई स्थान होता है, प्लेस होता है। ये जेब्रा है, ये टाइगर है, ये कोई एनिमल होता है, कोई एनिमल है, जानवरों का नाम है ना। और ये बुक है, और ये क्या है? पेन। ये कोई वर्ड है ना। इस तरह हमने देखा कि हमारे पास किसी का नाम है, कोई स्थान है, कोई जानवर है, कोई वस्तु, कई तरह की वस्तुएं, कई तरह की वस्तुएं आपको हमने दिखाई, कई तरह के आइटम आपके सामने रहे। अब क्या जानते हो आप सब कि इनको क्या कहते हैं? जानते हो क्या कहते हैं? जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? आइए हम आपको बताते हैं। प्लीज तो प्यारे बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम आदि को हम क्या बोलते हैं? नहीं पता ना? इनको क्या कहते हैं जानते हो? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं।
और इंग्लिश में नाउन कहते हैं, क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो यहाँ जितने लोग अभी आपने देखा खड़े थे, इन सबको क्या बोलते हैं बच्चों? नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन। तो नाउन को हम इस तरह लिख सकते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इन सबको बच्चों हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को बच्चों हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया पर्सन में हमने किसको आपको बताया? राम। पर्सन में किसको बताया आपको? राम। दूसरा क्या बताया बच्चों? सीता। उसके बाद हमने आपको क्या बताया? प्लेस। पर्सन के बाद बच्चों हमने आपको क्या बताया? प्लेस बताया। प्लेस माने क्या होता है? प्लेस मीन्स क्या होता है? स्थान। प्लेस में हमने आपको क्या बताया? आगरा बताया। और क्या बताया? अमेठी बताया। क्या बताया? अमेठी। उसके बाद हमने बच्चों आपको क्या बताया? एनिमल्स बताया। क्या बताया? एनिमल्स। एनिमल्स में हमने आपको बताया जेब्रा। और क्या बताया? टाइगर बताया। उसके बाद हमने बच्चों आपको क्या बताया? थिंग बताया। थिंग्स में हमने आपको बच्चों क्या बताया? बुक बताया। और क्या बताया? पेन बताया। है ना? तो इन सबको आपने क्या देखा, ये सब क्या है? नाउन के एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, इन सबको क्या कहा जाता है बच्चों? नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाउन। ओके बच्चों, समझ में आया नाउन किसे कहते हैं? ओके बच्चों, हमने आप सबको बताया कि नाउन क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है। आइए इन बच्चों के माध्यम से जान लेते हैं कि नाउन क्या है। Who are you children? I am noun. Who are you children? I am noun. ये सब कौन है? नाउन है। तो हमेशा याद रखना, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जानवर का नाम, ये सब आपके क्या होते हैं बच्चों? नाउन होते हैं। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत थैंक यू।